नमस्कार दोस्तों, उज्ज्वल टिप्स एंड ट्रिक में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मेरे पास एक सोलर लाइट आया है, चार्जेबल भी है, ठीक है, वो आया है रिपेयरिंग के लिए। तो इसमें क्या है कि उसके घर में ही जो है कोई बच्चा सा या जो भी हो, पूरा वायरिंग वगैरह सब तोड़ दिया है, ठीक है, टूटा हुआ था, तो खुद से हम पूरा खोल लिए हैं, फ्रेश कर दिए हैं। और आज आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे वायरिंग होगा और पूरा क्लियर बताएंगे, चाहे जो भी डीसी लाइट हो या सोलर लाइट हो, कोई भी लाइट हो, ठीक है, तो उसको इजी वे में आप जो है वायरिंग जो है कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ होता भी नहीं है, ठीक है, ये आपको स्विच हो गया, ठीक है, लाइट को कम बेस करने के लिए, ठीक है, ये चार्जिंग सॉकेट हो गया, ये इंडिकेटर हो गया, ठीक है, 3-in-1 है, ठीक है, इसमें 3 जो है तार खुट्टी निकला हुआ है, ठीक है, सोलर से चार्ज होगा तो अलग लाइट जलेगा, ठीक है, और चार्जर से चार्ज होगा, ठीक है, तो अलग लाइट देगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, इसका कनेक्शन देख लीजिए, ठीक है, ताकि आपका कोई भी लाइट ख़राब हो तो खुद से रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें जो है करना क्या है कि सबसे पहला जो देखिए, ये जो बीच वाला जो LED का रहता है, ये माइनस रहता है, ठीक है। तो हम एक स्टेप बाय स्टेप जो है आपको वायरिंग करके बताते हैं, ठीक है दोस्तों। वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, मगर इसको देखने के बाद आपको कोई भी लाइट हो तो आप बना सकते हैं आराम से। और भी कोई तरह का लाइट हो तो कमेंट करें, ज़रूर हम उसके बारे में बताएंगे आपको, ठीक है। चाहे कोई सा लाइट हो, चाहे ये लाइट हो, चाहे ये सब भी कोई भी लाइट हो, ठीक है, सिंपल में अभी जो बता देंगे वायरिंग सबका सेम ही रहता है। सिर्फ होता क्या है कि सोलर का जो है अलग से कनेक्शन रहता है और कुछ नहीं रहता है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, एक माइनस तो हम कर दिए, इसको जोड़ दिए, ठीक। उसके बाद देखिए क्या करना है, एक डायोड लेना है, ठीक। तो दोस्तों, ये रहा आपका डायोड, ठीक है। तो दोस्तों, डायोड में क्या करना है कि देख लीजिए, एक जो आपको स्विच है ये, ठीक है, लाइट को कम बेस करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपका ये जो आपका ये प्लस हो गया, ये जो तार है देख रहे हैं कि है ना, इसका ये प्लस हो गया, तो आपको प्लस जो है प्लस में आपको जोड़ देना है, ये जोड़ देना है, ताकि आप चार्ज में जो लगाएं, दोस्तों ये जो आपका चार्जिंग का डायोड लग गया, ठीक है, डायरेक्ट। उसके बाद एक ये हो गया आपका सोलर का होगा, इसमें देखिए, इसमें बता देते हैं आपको, देखिए इसमें सोलर का क्या है, तो ये देखिए सोलर प्लेट है ये, ठीक है, इसका प्लस जो है आपको ये डायोड में आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक। और ये जो इसका माइनस है, आपका ये माइनस जो है आपका, ये आपका माइनस में आ जाएगा ये, ठीक। उसके बाद बात रहा ये बैटरी का, ठीक है, तो इसका बैटरी का भी कनेक्शन होगा, तो दोस्तों ये बैटरी का कनेक्शन होगा दोस्तों, तो बैटरी का कनेक्शन जो है आपका माइनस, तो माइनस डायरेक्ट आ जाएगा माइनस में, ठीक है, माइनस को कुछ करना नहीं है, माइनस डायरेक्ट आएगा, और प्लस जो है प्लस यहाँ पे आएगा, ठीक है। ताकि देखिए होगा क्या कि आपका सोलर जब चार्ज होगा धूप में, ठीक है, तो करंट आएगा यहाँ पे, बैटरी चार्ज होगा, ठीक है। अगर सोलर से चार्ज नहीं करना तो चार्जिंग कनेक्टर से जब चार्ज करना है चार्जर से, ठीक है, तो ये जो है डीसी बनाएगा, डीसी से भी आपका जो है डायरेक्ट जो है इसमें करंट आएगा, ठीक है, दोनों तरफ से बैटरी चार्ज होगा, ठीक। इसका कनेक्शन हो गया, अब देखिए ये इंडिकेटर का कनेक्शन करना है, ताकि जब चार्ज में लगाएंगे तो इंडिकेटर जो है जलेगा, तब ना पता चलेगा हाँ चार्ज कनेक्ट ले लिया है, ठीक है दोस्तों। तो उसमें करना क्या है, आपको कुछ करना नहीं है, देखिए इसमें जो है इसका ये प्लस सिरा है, ठीक है, बीच वाला तो ग्राउंड है, जान ही रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, एक रेजिस्टेंस मारा मैंने, ठीक, और देखिए ये आपका इस जगह से हो गया, ठीक है दोस्तों, हो गया। अब उसके बाद देखिए, आपका चार्ज में लगाइएगा तो आपका इंडिकेटर जल जाएगा, चाहे जो भी कलर का जले, ठीक है, आई डोंट नो। उसके बाद
जब सोलर से जलेगा तो भी तो लाइट शो करेगा ना कि हाँ सोलर से चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए एक और रेजिस्टेंस मारना है। कि देखिए रेजिस्टेंस देने का रीज़न ये होता है कि ये बहुत से बहुत 3.5 वोल्ट से ज़्यादा लेगा तो LED 4 वोल्ट तक LED फ्यूज हो जाए, उससे ज़्यादा आएगा तो फ्यूज हो जाएगा। और जब चार्ज में लगाते हैं ठीक है, तो इसमें कम से कम लगभग 6.5 वोल्ट 7 वोल्ट 6 वोल्ट ऐसे आता है। ठीक है, तो LED जल्दी फ्यूज ना हो इसकी सेफ्टी के लिए रेजिस्टेंस लगाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए एक रेजिस्टेंस मैंने यहाँ जोड़ा और एक जो है यहाँ जोड़ा। अब इससे क्या होगा कि आप जो है सोलर से भी चार्ज होगा तो आपको इंडिकेट करेगा कि चार्ज हो रहा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए अब बात रहा लाइट का। ठीक है दोस्तों, अब लाइट जलेगा तो इसमें करना क्या है कि देखिए इसका तो कनेक्शन टूटा हुआ है तो दोस्तों इसको जोड़ देते हैं हम। दोस्तों इसका जो है ये प्लस है, ये सिरा माइनस है। तो आपको नीचे से जो है मैंने तार निकाल देता हूँ। और जो भी हो गया दोस्तों देखिए इसमें जो जो बीमारी आता है, इसमें बीमारी ऐसा कुछ आता नहीं है। ठीक है, बहुत से बहुत आपको चार्जिंग पिन टूटेगा। ठीक है, ये जो चार्जिंग पिन ये वाला टूटेगा और उसके बाद ये कनेक्ट स्विच काम नहीं करेगा तो EGV में खुद से बदल सकते हैं। आप जाएंगे शॉप के पास तो आपसे पैसा भी ले लेगा। दोस्तों कोई भी लाइट में हो, AC या DC कोई भी लाइट में ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट करें, मैं जरूर रिप्लाई करूँगा इसका। अब देखिए दोस्तों इसका माइनस है, माइनस तो डायरेक्ट माइनस में जाएगा ही, जान रहे हैं। और प्लस जो है देखिए ये आपको स्विच में आएगा, ये इस सिरा पे। ठीक है दोस्तों, ताकि स्विच जो है ऑन ऑफ करेंगे तो मैं ये काम करेगा। ठीक है दोस्तों, तो सारा वायरिंग हो गया है, देख लीजिए। ठीक है, कहीं से कोई तो गलत ऐसा तो नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं जला के, ये शायद डिस्चार्ज होगा बैटरी इसलिए चार्ज नहीं हो रहा। हम चार्जिंग लगाए देखते हैं। तो दोस्तों मैं चार्जिंग पिन लगा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देखिए चार्जिंग पिन जो है आपको शो कर रहा है इंडिकेटर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों ये जल रहा है लाइट। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही टेक्नोलॉजी संबंधित वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर ऑन रखें।